तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ और आप लोग देख रहे हो इंडियन रोबोटिक्स। आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा टीएफसी सीरीज का एक पेल्टियर के बारे में, जो कि ये जो टीएफसी पेल्टियर सीरीज है, इसको यूज किया जाता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज टेली कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये जो पेल्टियर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके बारे में अगर आप लोग यूट्यूब में सर्च कर लेंगे तो आप लोगों को एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सर्च करके आप लोग देख सकते हो। और मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद ऑब्वियसली एक वीडियो तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और ये जो पेल्टियर है, इसका जो एप्लीकेशन है, बहुत ही एक फेमस एप्लीकेशन है, जो कि है गाइडेंस सिस्टम में। गाइडेंस सिस्टम यानी क्या, जो मिसाइल होता है, जो रॉकेट होता है, जो सैटेलाइट होता है, उसका जो मूवमेंट होता है, यानी वो एक जगह से दूसरे जगह पे जो जाता है, उसका जो मूवमेंट होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। और उसको जो कंट्रोल करता है उसको बोलता है गाइडेंस सिस्टम, और वही गाइडेंस सिस्टम में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन बहुत ही फारू एप्लीकेशन है, तो आप लोगों को वीडियो में वो भी देखने को मिलेगा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और उसी के साथ साथ ये पेल्टियर का रेटिंग, उसका साइज़ कैसा क्या है ये पेल्टियर, उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो आज मैं जो पेल्टियर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा वो है TEC2-53-31-02 ये पेल्टियर के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को एक एक करके इसका खासियत बताते हैं, फिर उसके बाद इसका एप्लीकेशन में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में, अभी ये पेल्टियर के बारे में बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने इसका नाम में ही दिखा है कि TEFC2 क्या इंडिकेट करता है, टू इंडिकेट करता है ये दो लेयर का है, यानी ये इसमें दो लेयर अलग अलग है, जिसमें एक छोटा लेयर है एक बड़ा लेयर है। फिर इसके बाद आते हैं इसका सेमीकंडक्टर पेयर का काउंट जो इसके अंदर है। जैसे कि हम लोगों का वेरी कॉमन जो पेल्टियर है वो है TEC1-12706, उसके अंदर का जो सेमीकंडक्टर पेयर काउंट है वो है 127, जो कि TEC1 के बाद ही आता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में वही सेमीकंडक्टर पेयर को दो पार्ट में लिखा गया, क्योंकि दो लेयर है तो दोनों अलग अलग लेयर का काउंट को अलग अलग लिखा गया है। जैसे फर्स्ट जो बड़ा लेयर है उसमें काउंट है 59, फिर सेकेंड जो छोटा लेयर है उसमें काउंट है आपका 31, और ये दो जो लेयर है उसका अगर साइज आप लोगों को मैं बताऊंगा, ऐसे आप लोग जो यूज़ करते हैं TEC1-12706, इसमें 127 काउंट है सेमीकंडक्टर पेयर का, और इसका साइज़ होता है 40 mm × 40 mm, तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि इसका साइज़ बहुत ही छोटा होने वाला है। तो इसका साइज़ एक्चुअल में होता है, जो बड़ा लेयर है उसका होता है 15 × 18 mm². ठीक है, और जो छोटा लेयर होता है जो उसके ऊपर होता है उसका साइज़ होता है 12 × 12 mm². ठीक है, तो अभी क्या है कि ये दोनों में से जो छोटा लेयर है उसके ऊपर में आप लोगों को इसका कूलिंग साइड दिखेगा, और नीचे का साइड मतलब बड़ा लेयर जो है उसका नीचे आप लोगों को इसका हॉटर साइड देखने को मिलेगा। और इसके जो एम्पियर रेटिंग है, जो इसका मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग है एज पर नेमिंग कन्वेंशन होता है 02, यानी 2 एम्पियर। लेकिन जैसे मैं इसका डेटा शीट देखा, मुझे डेटा शीट में दिखा इसका मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग लिखा हुआ है 1.7 एम्पियर। इसीलिए मैं हर वक्त बोलता हूँ आप लोग, ऐसे नेमिंग कन्वेंशन में आप लोगों को मालूम है कि वो होता है उसका मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग, लेकिन कंपनी उसको मैनिपुलेट कर सकता है, तो इसीलिए आप लोग डेटा शीट को ही प्रेफर कीजिए। यानी डेटा शीट में जो एम्पियर रेटिंग लिखा गया है, मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग, उसी को कंसीडर कीजिए।
तो यहाँ पे 1.7 एम्पियर लिखा गया है, कहीं हो सकता है कि वो 2 एम्पियर के ऊपर भी हो सकता है, तो वो भी डेटा शीट में ही आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग ये सारा चीज़ क्लियर कट आइडिया लेने के लिए डेटा शीट जरूर पढ़िए। अगर कोई ऑड यानी जो कभी आप लोगों ने देखा नहीं है, कभी कोई यूज़ नहीं किया है, ऐसा पेल्टियर आप लोग यूज़ करने जा रहे हो तो ठीक है। तो फिर आते हैं इसका, अभी तो ये एम्पियर रेटिंग हो गया, मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग हो गया, तो वोल्टेज रेटिंग कितना है। वोल्टेज रेटिंग इसका है 6.4 से लेके 7.9 वोल्ट तक, इसका मोर और लेस में आप वोल्टेज इसका रख सकते हो। इसका मैक्सिमम रेटिंग तब वोल्टेज रेटिंग पकड़ लो 7.9 या 7.8 वोल्टेज, ठीक है। फिर आप लोगों को पता चली गया कि इसका एम्पेयर रेटिंग भी कम है और वोल्टेज रेटिंग भी कम है, तो इसको आप लोग ऐसे मैक्सिमम जगह पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका रेटिंग कम है। रेटिंग कम होगा तो सोर्स का उतना प्राइस नहीं होगा, नॉर्मल सोर्स में आप लोग यूज़ कर सकते हो। वोल्टेज को ऐसे वेरिएबल सोर्स यूज़ कर लो, छोटा मोटा वेरिएबल सोर्स में ही आप लोगों को उतना वोल्टेज रेंज मिल जाएगा, या फिर आप लोग खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ गया, इसका वोल्टेज रेटिंग एम्पियर रेटिंग चला गया। फिर अब लोग सोचेंगे कि इसका डेल्टा टेम्परेचर कितना है। डेल्टा टेम्परेचर है इसका 95 से लेकर 105 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। तो अगर तो आप लोग डेल्टा टेम्परेचर के बारे में नहीं जानते हो, तो मेरा जो पेल्टियर रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोगों को उसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, छोटा वीडियो है, आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग इसका एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशन में इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सारा एप्लीकेशन बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है। जैसे कि एक है आयर सेंसर में इसको यूज़ किया जाता है। आयर सेंसर का साइज़ आप लोगों को दिमाग में आएगा कि ये तो बहुत छोटा होता है, लेकिन बड़ा एप्लीकेशन में, जैसे वैसे पकड़ लो कोई एक सैटेलाइट में एक आयर सेंसर लगाया जा रहा है जिसका कैपेसिटी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होता है कि वो बड़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसीलिए वो सब जगह पे ये सब चीज़ को यूज़ करके आयर सेंसर बनाया जा सकता है। और फिर आता है इसका और एक सेंसर में एप्लीकेशन है जिसको बोला जाता है सीसीडी सेंसर। सीसीडी सेंसर क्या होता है, जैसे कैमरा में होता है ना सीमॉस सेंसर, वैसे एक सीसीडी सेंसर भी होता है। तो कैमरा में कैसे इसको यूज़ किया जाता है मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है इसका और भी सारा साइंटिफिक टूल्स होते हैं, वो सब में उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। इसका एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों ने से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि इसको क्या हम लोग सीपीयू कूलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये जो पेल्टियर है इसका स्पेसिफिकली अगर डेटा शीट आप लोग खोल के देखो तो उस पर ही लिखा हुआ है कि इसको सीपीयू कूलिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये चीज़ मालूम नहीं है कि इसको हम लोग डायरेक्टली सीपीयू के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर पकड़ लीजिए कोई एक लिक्विड कूलर है सीपीयू के लिए, उसका जो लिक्विड है उसको कूल डाउन करने के लिए कहीं दूर लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ मुझे मालूम नहीं है, तो अगर आप लोगों को मालूम है आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसे हम लोग सीपीयू को कूल डाउन करने के लिए पेल्टियर को यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो, देख के आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम लोग सीपीयू कूलिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गया इसका एक और एप्लीकेशन। फिर आते हैं इसका एक फोरू एप्लीकेशन में, जो कि है गाइडेंस सिस्टम। हाँ, गाइडेंस सिस्टम जो होता है वो सैटेलाइट मिसाइल हो गया, फिर आपका रॉकेट हो गया, वो सब में क्या होता है, पकड़ लीजिए आपका एक सैटेलाइट है, उसको कोई जैसे मून में ऑर्बिट कराना है, तो इसके लिए क्या होगा, आपका सैटेलाइट को ऐसे अर्थ से भेजा जाएगा, फिर उसका डायरेक्शन बहुत बार चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके जाके मून का ऑर्बिट में वो घूमता रहेगा,
ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसका डायरेक्शन को फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ रहा है। तो इसके लिए एक सिस्टम को यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है गाइडेंस सिस्टम। और वो जो गाइडेंस सिस्टम है उसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होता है, यानी जो सब यूनिट जो उसका ब्रेन होता है, जैसे सीपीयू होता है ना हम लोगों का कंप्यूटर का ब्रेन, वैसे ही वहाँ पे भी सीपीयू यूज़ किया जाता है जो कि उसका प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। तो वही सीपीयू को कूल डाउन करने के लिए ये पेल्टियर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब में एक भी नहीं मिलेगा कि इस पेल्टियर के रिलेटेड वीडियो, तो आप लोग इस पेल्टियर का नाम से सर्च कर सकते हो। सर्च करके आप लोगों को बस एक ही वीडियो मिलेगा मेरा ये वीडियो अपलोड होने के बाद, ठीक है। तो चलो आज के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी, बाय।